हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश SI 2020, जी हाँ, 13,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधियाचन प्राप्त इसी महीने से ऑनलाइन आवेदन, हो सकता है कि इसी महीने के अंतिम सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। घुड़सवार व फायरमैन में भी भर्ती शुरू, मिनिस्ट्रियल के 1250 पदों पर आवेदन। तो चलिए देख लेते हैं क्या है पूरी खबर। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप खबर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन सुधार विभाग में पुरुषों के 3012 और महिलाओं के 626 पदों के लिए वार्डर आरक्षी, घुड़सवार पुलिस के 102 तथा फायरमैन पुरुष के 2065 पदों पर सीधी भर्ती ऑफलाइन लिखित परीक्षा कराए जाने के संबंध में। कृपया उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में पुरुषों के 3012 पद एवं महिलाओं के 626 पदों के लिए वार्डर आरक्षी, घुड़सवार पुलिस के 102 फायरमैन पुरुष के 3065 पदों पर सीधी भर्ती, 2016 के अधियाचित पदों पर भर्ती की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु अधियाचन बोर्ड से प्राप्त अधियाचित पदों के सापेक्ष भर्ती की कार्रवाई संपादित करने हेतु विज्ञप्ति निर्गत करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा चुके थे, जिनमें क्रम से अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र बोर्ड में प्राप्त हो चुके हैं। उक्त भर्ती से संबंधित ऑफलाइन लिखित परीक्षा आयोजन माह नवम्बर के अंतिम सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त पदों के लिए ऑफलाइन परीक्षा होने वाले कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी पुलिस में 13,000 भर्ती शुरू करने की तैयारी तेज। पुलिस विभाग में 13,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाओं की तैयारी तेज हो गई है। इसके तहत पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने मिनिस्टेरियल संवर्ग के 1250 से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष RK विश्वकर्मा ने बताया कि इस साल के अंत तक सीधी भर्ती के पुलिस उप निरीक्षक के 6,000, कारागार व घुड़सवार के लगभग 2500 और अग्निशमक विभाग के में लगभग 3,000 पदों पर भर्तियां होनी है। इनकी भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इन सभी विभागों में जो भर्तियाँ होनी है वे आरक्षी के पद की हैं। अध्यक्ष ने बताया कि सभी भर्तियों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके आगे आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में 1 माह से अधिक समय लगेगा। तो इन सारी भर्तियों में मिनिस्टेरियल के 1250 के से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होनी है, जिसके कि ऑनलाइन आवेदन हो सकता है कि इसी माह के अंतिम सप्ताह तक शुरू हो जाएं। तो ये अच्छी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के उन नौजवानों के लिए जो रोज़गार का इंतज़ार कर रहे हैं, जो नई भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं। इस भर्ती में, इस अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।